Welcome you all. Today we are start a new class, class 11th. Today we are start a new beginning of accountancy. Actually, this is a new subject for you. Accountancy से पहले कभी आपने पढ़ाई नहीं, ठीक है? So, I, Dr. Pooja Jain, starting a new session of 11th accountancy from today. इस वीडियो में जो भी आपको क्लियर ना हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी वैल्यूबल मटेरियल होगा वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन. अकाउंटेंसी, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र. लेखा शास्त्र क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी मीन्स अकाउंट्स बनाना या लेखाशास्त्र लिखना. पहले हम आपको इसको एक बहुत छोटे रूप में समझाएं. तो देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं एक दिन में. बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, बिजनेस के लेन देन होना, माने परचेज करना या सेल करना. एक दिन के अंदर एक बिजनेसमैन जैसे एक छोटी सी भी शॉप पर अगर बैठता है तो पता नहीं दिन भर में कितने कस्टमर उसके पास आते और जाते हैं, राइट? इतने नंबर ऑफ कस्टमर के साथ उसने जो भी डीलिंग की है वो एट ए टाइम लर्न करना या याद रख पाना मेमोरी में वो पॉसिबल नहीं होता. पॉसिबल नहीं है इसलिए उन सबको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. इट मीन उन्हें लिखा जाता है सिस्टमेटिक एक वे में, कितने लोग आए, कितना कैश में परचेज हुआ, कितना सेल में परचेज हुआ, है ना, कितनों के पास से पैसे हमारे पूरे वाले पुराने वाले पैसे आ गए, कितने ने हमारे पैसे डूब गए, मींस बैड डेट्स हो गए. इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है. वो रिकॉर्ड ही अगर हम देखते हैं एक सिंपल फॉर्म में तो वो रिकॉर्ड ही अकाउंटेंसी कहलाता है. डेफिनेशन आपको शायद क्लियर हो गई हो, मीनिंग क्लियर हुआ हो अकाउंटेंसी का. अगर हम वैसे देखते हैं तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी तो एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, अगर हम कह सकते हैं. तो ये तो बिजनेस की एक लैंग्वेज है, इसे क्या कह सकते हैं हम, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस करना है तो उसकी एक लैंग्वेज होनी जरूरी है. जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है ऐसी बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है, और बिजनेस की लैंग्वेज ही क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है. जो भी काम होगा बिजनेस में वो अकाउंटेंसी के थ्रू ही किया जाएगा, राइट? अगर हम देखें अकाउंटेंसी को एक अगर हम इसकी के डेफिनेशन के फॉर्म में देखें कि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एडवाइस. तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं डेट इज कॉल्ड टू अकाउंटेंसी. इट मीन्स इसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग किया जाता है उसको, फिर समराइज किया जाता है, और ये कम्युनिकेशन का काम करती है इसके यूजर्स के साथ. आई थिंक यू हैव क्लियर दिस डेफिनेशन प्रॉपरली. ओके, नाउ अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की साइड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जैसे फर्स्ट आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली, ये वर्ड इसमें लिखना जरूरी है. वाई, अकाउंटेंसी में सिर्फ जो रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की ही होगी.
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें नहीं, इसमें जिसकी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, जैसे वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन द मैनेजरियल पॉलिसी, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं किसी के बीच में, उसकी हमारे यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग की जाती है। किसी लेबर का किसी लेबर के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, लैंड का बंटवारा हो रहा है, उसने उसको मार दिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती, क्लियर। तो हम ये सिर्फ बात यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, मनी से रिलेटेड, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन मनी टर्म्स, जो मनी से रिलेटेड, जैसा लिखा है आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, जो मनी से रिलेटेड होंगे सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, बाकी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ओके। फिर आ जाते हैं हम थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर हम देखें कि फंक्शंस क्या होते हैं इसमें, एक बार में हम बता देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला इसमें जैसे हम लिखे हैं अगर ए पॉइंट में, टू आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन माने सिर्फ मनी के ट्रांजेक्शंस ही इसमें रिकॉर्ड करने हैं हमको, मनी के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है। सेकंड तो आ जाता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, ये किसके थ्रू हो जाता है यहाँ पर, यहाँ इसमें बनाई जाती है। जैसे रिकॉर्डिंग में अगर हम रिकॉर्डिंग को हम थोड़ा सा लेते हैं, समझा दें एक बार, जैसे इसमें रिकॉर्ड किस में करते हैं, हम जर्नल बनाते हैं, इसमें जर्नल एंट्री बनाना हम बताएंगे इस नेक्स्ट में, जर्नल बनाते हैं, जैसे हम इसमें कैश बुक बनाते हैं, जैसे हम परचेज बुक बनाते हैं, फिर सेल्स बुक बनाते हैं, फिर पर्ची रिटर्न बुक बनाते हैं, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, इस तरीके से नंबर ऑफ बुक्स बन जाती हैं जिसमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, नंबर ऑफ बुक्स हम इसमें बनाते हैं जिसमें ये ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड होते जाते हैं, क्लियर। उसके बाद अब इनको क्या किया जाता है नेक्स्ट में, इनको थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। क्लासिफाइंग मीन्स क्या होता है, इनको सब, इनका सब डिवीजन करना, इनको ग्रुप में बना देना है, तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, डेट वाइज, वैसे ज़्यादातर इसमें डेट वाइज ही किया जाता है, हमारे यहाँ डेट वाइज ही चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है जिसको, उसी में किया जाता है, तो डेट वाइज होता है ये हमेशा। इसके लिए हम बनाते हैं लेजर, ठीक है, हर एक कस्टमर का अपना पर्सनल लेजर बन जाता है, उसमें इसको क्लासीफाई यानी कि सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब इतना ज़्यादा सारे बहुत सारे लेज़र बन जाते हैं, माना हमारे अगर 100 हमारे कस्टमर हैं तो 100 हमारे लेज़र बन गए, तो 100 लेज़र कहाँ करेंगे सारे इकट्ठे ऐसे, तो उसको समराइज कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम, समराइजिंग। अब समराइजिंग तो जैसे आप समझते हो ना, चीज़ों की समरी बना देना, तो सारे जितने भी लेज़र इकट्ठे हो जाते हैं उन इकट्ठे वाले लेज़र को, और हम क्या बना देते हैं, अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि समझ जाए हम उसको इजीली, हम उसके बना देते हैं यहाँ पर लेज़र, उसके बना देते हैं, हम उसको समराइज करेंगे और समराइज करने के लिए हम इसमें क्या बना देते हैं, सबसे पहले हम लेज़र को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ लेज़र, जितने भी हम लेज़र बनाएंगे उन सबको बैलेंस करेंगे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि लेज़र क्या होता है, ये लेज़र धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि जनरल एंट्री जब हम पास करते हैं तो जनरल एंट्री के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो लेज़र का ही होता है, तो लेज़र की बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। लेज़र की बैलेंसिंग करने के बाद जो नेक्स्ट काम होगा हमारा वो हम बनाएंगे फिर ट्रायल बैलेंस, और बस ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब आपकी बैलेंस शीट, मतलब ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
देन बैलेंस शीट। देन बैलेंस शीट। क्लियर? ठीक है, समराइज कर दिया हमने इसको। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका। आप क्या करेंगे, आप उसको एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है, जितना भी परफॉर्मेंस होता है हमारा, वो यूजर्स को प्रॉपर, हमको ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना है कि यूजर्स देख करके ही उसको एनालिसिस कर सके कि हम उसे क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यूजर्स कौन से होंगे हमारे, जैसे हमारे क्रिएटर्स होंगे, हमारे बैंकर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे हमारे, है ना। तो उसको इस तरीके से करना है कि वो एनालिसिस खुद में ही हो जाता है। जैसे आप एंट्री बनाओगे, एंट्री करने के बाद में लेजर बनाओगे, तो खुद से ही वो रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो वह एक मीनिंगफुल डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो हमारा जो भी हमारा फर्म है वो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी कैसी हो रही है। ठीक है, और लास्ट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ये तो अकाउंटिंग तो लैंग्वेज ही होती है हमारी बिजनेस की, तो कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ना जो हमारी इसकी जो भी हमारी फर्म है उसकी पोजीशन कैसी है, तो कम्युनिकेशन के लिए वो कम्युनिकेशन करेगी, वो बताएगी हमारी कि पोजीशन कैसी है हमारी, प्रॉफिट की है, सॉल्वेंसी होने वाली है, एफिशिएंसी है भी है या नहीं है, जितने भी हमने लोन ले रखे हैं उनको रीपे करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करती है। जैसे बैलेंस शीट माना, अभी छोटा सा वो देख के बताते हैं आपको कि हमने एक बैलेंस शीट बना ली किसी भी फर्म की, बैलेंस शीट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। वो बैलेंस शीट शो करती है किसी भी फर्म की उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि वो उस फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना रिपेमेंट करना है, बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना है, लोन कितने हैं, गुडविल कैसी है उसकी, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन हो जाता है ना कि एक बैलेंस शीट आपकी सब जगह पहुंच गई और उससे आपकी फर्म के बारे में लोगों को जानकारियाँ मिल गई कि फर्म की रियल कंडीशन क्या है। ठीक है, मुझे लग रहा कि ये इतनी बात से आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अकाउंटिंग उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसके फंक्शंस थे सारे जो हमने फंक्शंस पढ़ाए आपको, सारे अकाउंटिंग के फंक्शंस हो गए यहाँ फिनिश हमारे। अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब अकाउंटिंग साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है, एक बार में दोनों चीज़ें। साइंस, साइंस क्या होता है सबको पता होता है, साइंस होती है एक सिस्टमेटिक बॉडी। और आर्ट क्या होती है, ये तो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ऑर्गेनाइज नॉलेज, और वो इसकी जो नॉलेज होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल्स। सो दिस कॉल्ड अ साइंस, इज ना। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं, सर्टेन हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एक आर्ट भी होती है, बिकॉज इट हेल्प इन अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। क्रिएटिविटी के साथ होता है सारा काम, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और इसके साथ साथ वो एक आर्ट भी है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट इसका, प्रोवाइड्स सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, ये तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग नॉट ओनली जनरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती है अपने यूजर्स को, बल्कि ये क्या करती है, उनको एप्रोप्रिएट डिसीजन देने के भी काम करा देती है ना। तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी।
which is designed to produce relevant and useful information of enterprise for decision making purpose. सर्विस एक्टिविटी, अभी जैसे हमने बताया कि बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई, ठीक है, अब बैलेंस शीट तो हमने सबको बता दी, पब्लिश हो गई मार्केट में, लोगों को पता चल गया इस फर्म के बारे में, तो अब वो सर्विस एक्टिविटी इस तरीके से देती है कि आपको पता है कि ये फर्म इस कंडीशन में है, अगर आप चाहते हैं उस फर्म के साथ काम करना तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट। आई थिंक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके फंक्शंस के साथ यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, हम कैसे कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, हमें अकाउंटिंग करनी है ना, माना हम जैसे किसी फर्म में गए और हमें वहाँ पर अब अकाउंटेंस एज ए अकाउंटेंट पोस्ट पर लिया गया है, ठीक है, तो वो हम क्या 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 काम करेंगे जिससे अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ही काम होंगे, इसके स्टेप्स में हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, अभी हमने जैसे इससे पहले भी हमने बता दिया, इसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही जगह देते हैं, ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे साथ अकाउंट स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सेकंड पार्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। करेंगे इसके जनरल एंट्री पास, उसके बाद इन जनरल एंट्रीज को, जनरल एंट्रीज के सब पार्ट भी कह सकते हैं, या इन जनरल एंट्रीज के बाद जो लेजर का काम होता है, लेजर का काम किया जाता है, तो वो लेजर में आ जाते हैं, हमारी जैसे कैश बुक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, परचेज बुक है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, कहते हैं हम लेजर, लेजर में इसकी पोस्टिंग की जाती है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब समराइजिंग कर देते हैं, समराइजिंग में आ जाता है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एनालिसिस, सॉरी एन इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसको एनालिसिस कर देंगे, और आ जाता है इसके बाद नंबर सिक्स पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं, तो कम्युनिकेटिंग, ऑफ समराइज डाटा टू यूजर्स, है ना, ये जो डाटा हमने समराइज कर दिया सारा यहाँ पर आकर के, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, इसको कम्युनिकेट करना है टू इट्स यूजर्स, क्लियर। इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम
ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इसी को हम टाइप्स भी कह सकते हैं और ब्रांचेस भी कह सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। इसमें ये जो तीन हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ज़्यादा इसके मेन हैं। आप जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मींस ये वो अकाउंटिंग है जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी आप नहीं पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप नहीं पढ़ेंगे, ना टैक्स अकाउंटिंग और ना ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ नहीं, आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही अभी पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये क्लियर है आपको, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग और आ जाते हैं अकाउंटेंसी, है ना। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये इसका एक सब पार्ट है, छोटा पार्ट। अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो वो बुक कीपिंग हो जाता है। ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है और ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होता है, ये रिकॉर्ड करने का काम होता है इसके अंदर सिर्फ, और क्लासीफाई करता है जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन, इसको हम कह सकते हैं रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग क्या होता है, ये ब्रॉड टर्म हो जाता है, इसके अंदर ये आता है, क्लियर है, है ना। बुक कीपिंग किसके अंदर आता है, अकाउंटेंसी के अंदर आता है, क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है ना, और अकाउंटेंसी के बारे में इससे पहले हमने सारा डिस्कस कर दिया है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है आपको अकाउंटेंसी के, इसी से आप इसके एडवांटेजेस भी निकाल सकते हैं सारे अकाउंटेंसी के, राइट। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतने सारे हमने देखे एडवांटेजेस बहुत है अकाउंटेंसी के, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं हमें अकाउंटेंसी के, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी के लिमिटेशंस पे पहुंच जाते हैं हम। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि ये किस पर डिपेंड करता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उससे ही रिलेटेड इसमें काम किए जाते हैं, रियलिस्टिक नहीं होता, ठीक है। अगर हम कहें कन्वेंशंस तो ये ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल जितने रिजल्ट्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलिस्टिक नहीं होते, कभी कभी किन्हीं चीज़ों को हम छुपा भी लेते हैं। तो अगर हम कहें कि ये बिल्कुल क्लियर ऑफ सच होता है यहाँ पर जो दी जाने वाली बातें, तो वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट तो होता ही है, जो भी अकाउंट हमने तैयार किए वो हमने अपने तरीके से तैयार कर लिए ना, अपने जजमेंट के हिसाब से तैयार किए हुए हैं, तो ये पर्सनल जजमेंट पे ही बेस करता है, रियल स्थिति को किसी भी फॉर्म की ये शो नहीं करते। नाउ नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट,
ठीक है, तो जो भी एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट में आर शोन इन देयर ओरिजिनल कॉस्ट व्हाइल दे शुड बी शोन इन द करेंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, एडजस्टमेंट फॉर प्राइस लेवल चेंजेस शुड बी मेड, यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं, या आपको लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बताना था वो हम बताए दे रहे हैं। आ जाते हैं लेक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एक्चुअली हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हम क्वांटिटी वाइज चीज़ों को मेजर करेंगे, या हम उनकी क्वालिटी वाइज यहाँ पर किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि हमारे कोई भी वर्कर है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या हमारे मैनेजर हैं बहुत अच्छे लाइब्रेरियंस हैं, वो इसके बारे में हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी भी तरीके की। नाउ नेक्स्ट, सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, ये समझ लें आप अच्छे से ज़रा, विंडो ड्रेसिंग क्या चीज़ होती है, ड्रेसिंग जानते हैं ना क्या होता है, ड्रेसिंग मीन्स किसी भी चीज़ को कवर अप करना, उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाया जाएगा लेकिन ऊपर से वो ड्रेस्ड अप हो जाएगा, तो ये विंडो ड्रेसिंग से सफ़र होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो भी चीज़ें जो अकाउंट आपको दिखाए जाएंगे वो ड्रेसअप करके दिखाए जाएंगे, उसके अंदर क्या है ये किसी को कुछ नहीं पता होता ना, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माना हमको प्रॉफिट शो कर रहा है वो कितना ट्रू है ये बात नहीं इसमें क्लियर कह सकते हम कि कितना ट्रू है यहाँ, क्लियर। उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट आ जाता है, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, इफ यू वॉन्ट फोरकास्ट फॉर समथिंग, है ना, तो यहाँ पर फोरकास्टिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अकाउंट फोरकास्ट हो। नाउ लास्ट, नॉट फॉर सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, तो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर द पास्ट डेटा इज नॉट मच यूज फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन, क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम आपको डिस्क्राइब करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।